कांकेर जिले में मंगलवार को भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए प्रत्येक घरों में ध्वज फहराने की अपील की गई। कब लोगों में देशभक्ति का अलग जगाने का प्रयास किया गया। बता दें कि यात्रा के दौरान विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही यात्रा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया गया। माता की जय। ये जो भारत माता की जय के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी जनता जनार्दन को आह्वान किया है, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर के घर में झंडा हो, हर के निवास में झंडा हो, हर गांव में झंडा हो और हर सरकारी विभाग में झंडा हो, ये आह्वान किया है। और देश के प्रधानमंत्री सभी जनता जनार्दन को अपने आसपास में जो है वीर सेनाएं के जो है शहीद स्मारक में हो, मठ मंदिर हो, उसको साफ सुथरा करें और देश के प्रति एकजुट और अखंड भारत का हो। और जो हम लोग ने 15 अगस्त में ही झंडा फहराते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हर घर में तिरंगा झंडा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का आह्वान किया है। आज हमारे कांकेर शहर के पूरे जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से कांकेर के हृदय स्थल में आज एक साइकिल के माध्यम से झंडा का रैली शुरुआत हुआ। आज वही शुरुआत से और यही पूरे कांकेर शहर को एक भ्रमण किए और भ्रमण के साथ साथ सभी कांकेर शहर के और कांकेर के आसपास के गांव के सभी जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से आज यहां साइकिल यात्रा भी आज समापन हुआ है। देखिए, आज दो तिरंगा यात्रा था भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ने का काम और पूरे विधानसभा वाइज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हमारा देह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद और देश के विखंडन जब हुआ तो एक एक नागरिक के मन में, एक एक व्यक्ति के मन में तिरंगा के प्रति, भारत माता के प्रति एक प्रेम और श्रद्धा भाव बना रहे, इसलिए तिरंगा यात्रा लोगों को संदेश देने के लिए। पहले यह था कि हम सरकारी संस्थाओं में ही तिरंगा फहराते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी, घर पर भी तिरंगा फहराएँ और देश प्रेम की जज्बा हर किसी के मन में लगे, इसलिए सभी घरों में, सभी गांव के दरवाजे पे तिरंगा लगे। इसलिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि तिरंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक एक गाँव तक, सुदूर अंचल तक पहुँचे और उनके मन में और सभी बच्चों को लेकर के तिरंगा फहराएं। सभी बच्चों के मन में आने वाले भविष्य के लिए जो 2047 तक ये देश हिंदुस्तान विश्वगुरु के शिखर पर स्थापित होगा, उसी के लिए सब हम जो भारत माता की तिरंगा सबके घर के दरवाजे तक पहुंचे, ये संदेश लोगों को और लोगों को उत्साह करने के लिए कि सब अपने, उनको याद दिलाने के लिए कि अपने घर पे तिरंगा फहराएं, इसलिए तिरंगा यात्रा ये निकाली गई थी।